अध्याय 7 क्या परमेश्वर ने बुराई की रचना की। कष्ट। पिछले अध्याय में हमने अच्छाई और बुराई के अस्तित्व के बारे में सीखा। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर ही है जो अच्छे और बुरे की पहचान करता है, इसलिए यह न तो भ्रम है और न ही सामाजिक निर्माण। बुराई एक वास्तविकता है जो दुनिया की और हर इंसान के दिल की गिरी हुई स्थिति को प्रकट करती है। हमने इस बारे में भी थोड़ी बात की कि एक सर्व सामर्थी और सर्व परोपकारी परमेश्वर ने संसार में व्याप्त बुराई के बारे में कुछ नहीं किया क्यों प्रतीत होता है। इस अध्याय में हम इस विषय को और गहराई से जानेंगे। एक बार जब ये स्थापित हो जाता है कि बुराई वास्तविक और सार्वभौमिक है, तो भगवान के चरित्र और बुराई से निपटने के उनके तरीके और इसके कारण होने वाले दर्द के बारे में सवाल उठते हैं। हम क्यों पीड़ित हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पीड़ा को हल्के में लेने का विषय नहीं है। जैसा कि धर्ममंडक रवि जकारिया सिखाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के पीछे एक व्यक्ति होता है। मैं उस पीड़ा को नजरअंदाज करके धर्मविज्ञान को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं करूंगा जो बुराई मानवता में उत्पन्न करती है। जब हम पीड़ा के बारे में प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हमें संवेदनशील होना चाहिए और सरल नहीं होना चाहिए। तो फिर आइए हम मानव दुखों के कुछ कारणों का विश्लेषण करें। नंबर 1, हम पीड़ित हैं क्योंकि हम पतित दुनिया में रहते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के पाप में गिरने से न केवल पूरी मानव जाति प्रभावित हुई, बल्कि पूरी सृष्टि प्रभावित हुई। गिरने से पहले दुनिया में कोई बीमारी या दर्द नहीं था, सब कुछ बेहद अलग नजर आया। आज हम ऐसी जगह रहते हैं जहां लोग बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं और एक दूसरे को चोट भी पहुंचाते हैं। यह अपेक्षा करना तर्कसंगत नहीं है कि इस पतित संसार में चीजें वैसी ही होंगी जैसी वे पाप के संसार में प्रवेश करने से पहले थी। ऐसा सोचना अवास्तविक है। नंबर 2, कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों के पाप के लिए पीड़ित होते हैं। सामान्य तौर पर सभी दुख संसार की पतित स्थिति का परिणाम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर दुख या पीड़ा के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। ऐसे समय होते हैं जब एक व्यक्ति अपने माता पिता द्वारा किए गए पाप के परिणाम स्वरूप पीड़ित होता है। उदाहरण के लिए, एक नशे की लत वाली माँ जो एड्स वायरस से संक्रमित हो जाती है और इसे अपने बच्चे को भेजती है। छोटे बच्चे को अपनी माँ की नशीली दवाओं की लत के लिए दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह उसके पाप का परिणाम भुगतता है। संख्या 3, अन्य समयों में हम विभिन्न लोगों के पाप के लिए पीड़ित होते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था। दाऊद को शाऊल ने सताया था। हाबिल को कैन ने मार डाला। इस पाप टूटे हुए संसार में हम जो कुछ कष्ट अनुभव करते हैं, वे उन लोगों के कारण होते हैं जो हमारे विरुद्ध पाप करते हैं। और साथ ही हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम स्वयं दूसरों के दुख का कारण बने हैं। संख्या 4, हम अक्सर अपने स्वयं के पाप के लिए पीड़ित होते हैं। बाहर देखना और अपने कष्टों के लिए दूसरों को दोष देना आसान है, हालांकि हमें अपने भीतर भी देखना चाहिए और इसे बार बार पहचानना चाहिए। दोष हम पर पड़ता है। अगर मैं आज रात नशे में हो जाता हूँ, कार में बाहर जाता हूँ और किसी को लकवा मार कर चला जाता हूँ, तो जो कुछ हुआ उसके लिए मैं भगवान से पूछताछ और उस पर हमला नहीं कर सकता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पाप को पहचाने और स्वीकार करें कि हमारे सभी व्यक्तिगत दुखों का संबंध दूसरों के साथ नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के विद्रोह और ईश्वर से अलग होने से है। उपरोक्त दृष्टांत में मैं वह व्यक्ति हूँ जिसने कानून तोड़ा है। मैं आपसे आग्रह करने का यह अवसर नहीं चूकना चाहता कि आप उस चीज से बचें जिसे प्रतिकार धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। जो लोग इसकी वकालत करते हैं, वे कहते हैं कि विपत्ति हमेशा एक प्रतिबद्ध पाप में उत्पन्न होती है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि पाप के परिणाम होते हैं,
लेकिन सभी विपत्तियां मेरे पाप का उत्पाद नहीं है। अय्यूब इसका एक उदाहरण है। उसके दोस्तों ने ये समझाने की कोशिश की कि उसकी स्थिति उसके पाप के कारण हुई थी, जबकि ऐसा नहीं था। उसकी सारी पीड़ा से पहले परमेश्वर ने अय्यूब को खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला घोषित किया। अय्यूब 1:1। किसी किए गए पाप के परिणाम के रूप में सभी प्रतिकूलताओं को सही ठहराने की कोशिश करना एक गलती है जो बहुत अधिक पीड़ा और आध्यात्मिक बेचैनी भी पैदा कर सकती है। संख्या 5, हम परमेश्वर की महिमा के लिए कष्ट उठाते हैं। कई विश्वासियों के लिए इस वास्तविकता को स्वीकार करना मुश्किल है, खासकर अब जब एक नकली ईसाई धर्म जो केवल भलाई और भौतिक समृद्धि प्रदान करता है लोकप्रिय हो गया है। हमें जन्म से अंधे व्यक्ति के बारे में यीशु के शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। न तो इसने पाप किया था और न इसके माता पिता ने, बल्कि यह इसलिए अंधा है कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो। यूहन्ना 9:3। पहली शताब्दी के यहूदियों के बीच यह विश्वास था कि यदि कोई शारीरिक दोष या बीमारी के साथ पैदा हुआ है तो यह माता पिता द्वारा या गर्भ में भ्रूण द्वारा किए गए किसी पाप का परिणाम है। निश्चित रूप से इस आदमी के लिए इतने लंबे समय तक अंधा रहना आसान नहीं था, लेकिन अगर हम विचार करें तो अंधापन सबसे अच्छी चीज थी जो उसके साथ हो सकती थी। यह उसके चंगाई के माध्यम से था कि वह यीशु के साथ एक मुलाकात करने आई थी, तब उसने विश्वास किया और उद्धार पाया। केवल कुछ दशकों के शारीरिक अंधेपन को अपने आध्यात्मिक अंधेपन से ठीक किया जा सकता है और सभी अनंत काल को महिमा में बिताया जा सकता है। जब हम किसी को किसी बीमारी से ग्रस्त या किसी कठिनाई से गुजरते हुए देखते हैं, तो हमारी पहली प्रवृत्ति आमतौर पर किसी को दोष देने के लिए देखने की होती है। आपने अपने बच्चे को उस विकृति या स्थिति के साथ पैदा करने के लिए क्या किया? वह महिला आर्थिक समस्याओं से क्यों गुजर रही है? कभी कभी उत्तर यह होता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और यह संभावना है कि परमेश्वर इस कमी के माध्यम से स्वयं को महिमा देना चाहता है। यदि आपको इस सत्य की पुष्टि करना कठिन लगता है तो क्रूस के बारे में सोचें। परमेश्वर की महिमा के लिए डेक उठाना सबसे अच्छी बात है जो हमारे साथ हो सकती थी। क्रूस की पीड़ा का यीशु के पाप या मरियम द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कोई लेना देना नहीं था। इसका संबंध हमारे पाप और पिता की महिमा से था। केवल उस पीड़ा में ही हम अपनी आत्माओं के लिए मुक्ति पाते हैं। आइए हम प्रेरित पौलुस द्वारा सिखाई गई बातों को न भूलें, क्योंकि तुम्हें मसीह के लिए न केवल उस पर विश्वास करने पर उसके लिए दुख उठाने का भी अधिकार दिया गया है। फिलिप्पियों 1:29। हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह के कारण और उसके चुने हुए लोगों के पक्ष में कष्ट उठाना एक विशेषाधिकार है। संख्या 6, हम अपने पवित्रीकरण के लिए पीड़ित हैं। परमेश्वर ने हमें यह नहीं बचाया कि हम जैसे थे या वैसे ही हमें छोड़ दे। वह हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में ढालना चाहता है। ऐसा करने के तरीकों में से एक क्लेशों के माध्यम से है। प्रेरित पौलुस मसीह के कारण के कष्टों को अच्छी तरह से जानता था और हमें निम्नलिखित सिखाने में सक्षम था। केवल यही नहीं, परंतु हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, ये जानकर कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धैर्य, सिद्ध चरित्र और खरा चरित्र, आशा, रोमियो 5:3-4। इस मार्ग के अनुसार चरित्र दुखों से गुजरने का फल है। आइए हम याद रखें कि परमेश्वर इस संसार की बुराई का उपयोग हमारी भलाई के लिए कर रहा है। प्रभु हमें दुख के बीच में नहीं छोड़ता, परंतु वह हमारी सांसों से भी अधिक निकट है और हमारे मनों को अपनी महिमा और अपने लाभ के लिए ढालता है। भजनहार दर्द और पीड़ा के लाभों के बारे में जानता था और इस कारण उसने लिखा, मेरे लिए दुख लेना भला है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजन संहिता 119:71। एल डॉलर नोज लवा कॉन फ्रेक्वेंसिया ए सर ओबीडियंस।
और यह एक सच्चाई है जिसे परमेश्वर ने बहुत पहले घोषित किया जब वह लोगों को जंगल में ले गया। 40 साल की यात्रा के अंत में वादा किए गए देश में प्रवेश करने से ठीक पहले ये मूसा के माध्यम से उसके कुछ शब्द थे। और तू स्मरण रखेगा कि इन 40 वर्षों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सारे जंगल में से ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करे और यह जान ले कि तेरे मन में क्या है कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। उसने तुझे दीन किया और तुझे भूखा रहने दिया और तुझे वह मन्ना खिलाया जिसे न तू जानता था और न तेरे माता पिता जानते थे कि तू यह समझे कि मनुष्य न केवल रोटी से जीवित रहता है परंतु जो कुछ यहोवा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:2-3। लेकिन क्या अब परमेश्वर बुराई का अंत नहीं कर सकता था? दुनिया में दर्द और पीड़ा की उपस्थिति भगवान के अस्तित्व को नकारने के लिए कई लोगों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले बहानों में से एक है। वे दावा करते हैं कि वे एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो इतने दर्द के अस्तित्व की अनुमति देने में सक्षम है। इस दुविधा का उत्तर कई अन्य दुविधाओं की तुलना में कम जटिल है, क्योंकि इस प्रत्यक्ष विरोधाभास का उत्तर देने के लिए स्वयं परमेश्वर ने पहल की थी। सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के बहुत से प्रश्नों का उत्तर दिया है, परंतु जो प्रकट किया गया है उसकी जांच करने के लिए वह प्रभारी नहीं रहा है। पीड़ा के अस्तित्व के संबंध में परमेश्वर इसे इसी क्षण पूरी तरह से समाप्त कर सकता है, लेकिन ये पाप के सभी अस्तित्व को अचानक समाप्त कर देगा जो पूरी मानवता का तत्काल न्याय और उसके राज्य की स्थापना को उत्पन्न करेगा। ये क्रिया इस ग्रह पर सभी जीवन को समाप्त कर देगी, उन लोगों के अपवाद के साथ जिन्हें छुड़ाया गया है, और हम तब भी नष्ट हो जाते यदि यह परमेश्वर की दया के लिए नहीं होता जो उसके क्रोध को आत्मसंयमित करता। इस प्रकार प्रेरित पत्रस इसे समझाता है, प्रभु अपने वचन को पूरा करने में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। 9। पत्रस जिस धैर्य का उल्लेख करता है वो उसकी दया के अलावा और कुछ नहीं है, जैसा कि हम इसे पवित्र शास्त्र के निम्नलिखित अंशों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए देखते हैं। प्रभु की दया कभी समाप्त नहीं होती क्योंकि उसकी भलाई कभी टलती नहीं है। विलापगी 3:22। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वह पाप को नहीं देख सकता। हबक्कू के 1:1। लेकिन फिर भी वह कई लोगों के पश्चाताप की प्रतीक्षा करता रहता है जो भविष्य में उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचानेंगे और करेंगे आनंद जीवन प्राप्त करो। ये कैसे संभव है? उसकी दया से। यही कारण है कि आप और मैं हर सुबह अपने पैरों पर खड़े होते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम सोचते हैं कि बुराई हमारे लिए बाहरी और पराया है तो परमेश्वर बुराई को दूर करे, लेकिन जब हम यह महसूस करते हैं कि हम सभी के भीतर बुराई है तो हम दया की लालसा करते हैं। यही कारण है कि भजनहार आराधना में कहता है, भगवान अगर तुम गिने हुए अधर्म हे यहोवा कौन रह सकता है, परंतु तुझ में क्षमा है इसलिए कि तेरा भय माना जाए। भजन 130:3-4। परमेश्वर बुराई को नहीं भूला है। वह हमारे और दूसरों के पाप के कारण होने वाली पीड़ा के प्रति अंधा नहीं है, बल्कि जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य पश्चाताप करे और उसने अपने न्याय को धीमा कर दिया है, भले ही इसका अर्थ पापियों द्वारा उसकी भलाई का उपहास करना या उस पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर संदेह करना हो। 2 Petrus 3:1-4। यदि परमेश्वर ने अपना न्याय अभी मानवता पर लागू किया होता तो आप कहाँ होते? आपका परिवार और दोस्त कहाँ होंगे? उसकी इच्छा बचाने की है, इसलिए वह अपने फैसले में देरी करता है, परंतु वह सदा के लिए उसकी उपेक्षा न करेगा क्योंकि परमेश्वर भी न्याय होना चाहता है। इसका मतलब है कि पाप और पीड़ा को कुछ समय के लिए छोड़ देना, जबकि ईसाई हर प्राणी के साथ सुसमाचार साझा करना जारी रखते हैं।
इसके अलावा जबकि वह बुराई के अस्तित्व की अनुमति देता है जिसे पीड़ा में व्यक्त किया जाता है, वह ऐसे कई उद्देश्यों को पूरा कर रहा है जिन्हें हम समझ नहीं सकते, हालांकि आज उनमें से कई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी का सबसे अच्छा उदाहरण अपने जीवन के दौरान अपने ही पुत्र की पीड़ा है और अंत में क्रूस पर उसके मरने की पीड़ा है। इस पृथ्वी पर नरक के माध्यम से मसीह ने हमें अनंत काल के नरक से बचाया है। यदि ईश्वर सब कुछ का निर्माता है तो क्या वह बुराई का लेखक है? हमने पिछले अध्याय में संक्षेप में इस पर चर्चा की, लेकिन ये जोर देने योग्य है कि भगवान दुनिया में मौजूद बुराई के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसने इसे नहीं बनाया। इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले 5वीं शताब्दी के अफ्रीकी धर्मशास्त्री हिप्पो के ऑगस्टाइन ने दिया था। उन्होंने कहा कि बुराई एक निर्मित पदार्थ नहीं है बल्कि एक स्थिति है। भगवान ने बुराई नहीं बनाई, वह एक ऐसी रचना को अस्तित्व में लाया जिसके भीतर बुराई मौजूद हो सकती है संभावना, लेकिन इसने बुराई की आवश्यकता पैदा नहीं की। अपनी सर्वज्ञता में भगवान ने समझा कि बुराई की अनुमति देना और बेहतर उद्देश्य प्राप्त करने के लिए स्वयं का उपयोग किया जा सकता है। जब सब कुछ कहा और किया जा चुका है तो हम देखेंगे कि प्रारंभिक उत्पाद की तुलना में अंतिम परिणाम कितना बेहतर होगा। पहला आदम अपनी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग में पाप कर सकता था या पाप नहीं कर सकता था, जिसे उसने पाप करने पर खो दिया था। परंतु अब दूसरे आदम मसीह के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को एक नई स्थिति में ला रहा है जहां वह अपने संपूर्ण स्वभाव के परिवर्तन के कारण पाप नहीं कर पाएगा या करना भी नहीं चाहेगा। फिर से बुराई कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए सृजा जाए, बल्कि आत्मा की स्थिति या स्वभाव है। हम अक्सर यह नहीं पूछते हैं किसने खुशी पैदा की, क्योंकि खुशी कोई चीज नहीं है बल्कि मेरी आत्मा और मेरे शरीर के बीच संबंध से उत्पन्न एक संभावित स्थिति या अनुभव है। बुराई अनायास उत्पन्न हुई, पहले एक स्वर्गदूत के हृदय में लूसिफर और फिर मनुष्य के भीतर। उन दोनों ने एक ही तरह से पाप किया, परमेश्वर के समान बनने की इच्छा। लूसिफर शैतान, मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा, यशाया 14:14। शैतान हव्वा से कहता है वे निश्चय ही न मरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उत्पत्ति 3:4-5 पर बल दिया गया है। तो वृक्ष हव्वा और फिर आदम की दृष्टि में प्रसन्न था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी जो है उसे सहन नहीं करता है और शैतान और मनुष्य दोनों के मामले में सृष्टिकर्ता के समान बनना चाहता है। आदम और हव्वा को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था और उन्हें स्वतंत्र इच्छा दी गई थी। उस स्वतंत्रता ने उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रभु का आज्ञा पालन करने की अनुमति दी, लेकिन इसने उन्हें अवज्ञा का चयन करने में भी सक्षम बनाया, जो कि उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जो उन्हें परमेश्वर द्वारा दी गई थी। लूसिफर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि हमने पहले कहा। उसने कहा मैं अपने आप को परम प्रधान के समान बनाऊंगा। उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी और उन्होंने विद्रोह को चुना। इस तरह बुराई अस्तित्व में आई। हम इसे यहेजकेल 28:12-19 और यशाया 2:12-20 जैसे अनुच्छेदों में देखते हैं। अधिक से अधिक अच्छा। इन दो अध्यायों में हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी संप्रभुता में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बुराई का उपयोग करता है। हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में निम्नलिखित मार्ग सबसे स्पष्ट है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Romans 8:25। तो निश्चित रूप से आप सोच रहे हैं कि कैसे पीड़ा अधिक अच्छे के लिए सहयोग कर सकती है।
आइए आपको ऐसे कुछ तरीकों से परिचित कराते हैं जो यह संभव है। भगवान बड़े परिणाम से बचने के लिए पीड़ा का उपयोग करता है। इस बात को समझने के लिए कुष्ठ रोग हमें एक अच्छा उदाहरण देता है। ये रोग कभी कभी नर्म ऊतक तंत्रिका अंत को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मामलों में जब रोगी के शरीर पर कोई चोट लग रही होती है तब भी रोगी अपनी सारी संवेदना खो देता है। दर्द के प्रति असंवेदनशीलता रोगी के उस अंग को खोने का कारण बन सकती है जो अक्सर घायल हो जाता है। दर्द का अनुभव किए बिना या कटौती के माध्यम से जो व्यक्ति को महसूस नहीं होता है और जिसके परिणाम स्वरूप बाद में खतरनाक संक्रमण होता है और कुछ नियमितता के साथ यहाँ तक कि विच्छेदन भी होता है। हमारे शरीर की देखभाल के लिए तंत्रिका संवेदनशीलता आवश्यक है। इसलिए जिस तरह आग की गर्मी को महसूस करने से हमें रसोई में आग से अपना हाथ हटाने की अनुमति मिलती है, वैसे ही परमेश्वर हमें दर्द का अनुभव करने की अनुमति देता है ताकि हमें हमारे कार्यों के और अधिक गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। परमेश्वर हमें अपने पास खींचने के लिए दुख का उपयोग करता है। सीएस लुईस ने लिखा, ईश्वर हमारे सुखों में हमसे फुसफुसाता है, हमारे विवेक में हमसे बात करता है, लेकिन हमारे दर्द में चिल्लाता है। बाहरी दुनिया को जगाने के लिए यह आपका मेगाफोन है। एक खुशमिजाज दुष्ट व्यक्ति बिना किसी संदेह के एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके कार्यों के अनुरूप नहीं है, कि वे ब्रह्मांड के नियमों से सहमत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे ईश्वर का इतना करीब से अनुभव करना याद नहीं है जब मैं गहरी उदासी और दर्द के क्षणों से गुजर रहा था। कठिन परिस्थितियों के दौरान मैं इससे और अधिक वास्तविक करीब अनुभव कर सकता हूँ। भविष्यवक्ता आमोस हमें दिखाता है कि कैसे परमेश्वर हमें बुलाने और आकर्षित करने के लिए दुख का उपयोग करता है और हम इसे कैसे अनदेखा करना चुनते हैं। किंतु मैंने उन्हें उनके सभी नगरों में शुद्ध कर दिया है और इसके सभी स्थानों पर रोटी के अभाव में, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, यहोवा की यह वाणी है। और जब कटने के 3 महीने रह गए तब मैंने उन पर वर्षा न की। मैंने इसे एक शहर पर बारिश बना दिया और दूसरे नगर में मैंने वर्षा नहीं कराई। एक भाग में वर्षा हुई और जिस भाग में वर्षा नहीं हुई वह सूख गया। सो वे 2-3 नगरों से लड़खड़ाकर पानी पीने के लिए थे दूसरे नगरों में जाते और तृप्त न होते थे। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, यहोवा की यह वाणी है। मैंने उन्हें प्रचंड वायु से और विपत्तियों से मारा और टिड्डियों ने उसके बहुत से बागों और दाख की बारियों को और उसके अंजीर और जलपाई के वृक्षों को खा डाला है, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की विपत्ति के समान विपत्ति भेजी है। मैंने उनके जवानों को तलवार से घात किया और उनके घोड़े भी तलवार से घात किए और उनकी छावनी की दुर्गंध उनके नथनों में पहुंचाई। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, यहोवा की यह वाणी है। मैंने उन्हें नष्ट कर दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया, और वे आग से निकाली हुई लट्ठे के समान थे, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की यह वाणी है। आमोस 4:6-11। जबकि कुछ लोग बुराई और पीड़ा को प्रमाण के रूप में उपयोग करने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है, पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि वह इसका उपयोग करुणा पूर्वक स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने के लिए करता है। परमेश्वर हमारे चरित्र को आकार देने के लिए पीड़ा का उपयोग करता है। जब एक मसीही स्वयं को पवित्र शास्त्र के प्रकाश में देखता है तो वह इस बात की सराहना कर सकता है कि परमेश्वर की अपेक्षा के अनुसार चलने के लिए उसे कितना परिवर्तन करने की आवश्यकता है। शुभ संदेश यह है कि प्रभु हम में अपना कार्य कर रहा है और उसे पूरा करने की प्रतिज्ञा करता है। भजन 138:6, फिलिप्पियों 1:6। हम जो सुनना पसंद नहीं करते हैं वह ये है कि कई बार आप पीड़ा के माध्यम से विकास के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इब्रानियों का लेखक हमें यही सिखाता है,
वर्तमान में कोई भी अनुशासन आनंद का नहीं बल्कि दुख का कारण लगता है। तो भी जो इसके द्वारा पक्के हो गए हैं, पीछे उनको ये धर्म का शांतिदायक प्रतिफल देता है। इब्रानियों 1:1। जिस तरह एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चे को अनुशासित करता है क्योंकि उसे सुधार की आवश्यकता होती है, भगवान हमें उस व्यक्ति में बदलने के लिए दुख के माध्यम से अनुशासित करता है जिसे हम बनने के लिए डिजाइन किया गया था। दुखों के बीच प्रभु पर भरोसा रखना। पाप के परिणाम स्वरूप पतित संसार में दुख जीवन का अभिन्न अंग है। जब अय्यूब ने दुख उठाया तो उसने विलाप किया क्योंकि मनुष्य विपत्ति के लिए उत्पन्न हुआ है, जैसे चिंगारियां ऊपर की ओर उड़ती हैं। अय्यूब 5:7। पॉल हमें सिखाता है कि दर्द ईसाइयों के लिए एक विशेषाधिकार है क्योंकि तुम्हें मसीह के कारण न केवल उस पर विश्वास करने पर उसके लिए दुख उठाने का भी अधिकार दिया गया है। फिलिप्पियों 1:29। जैसे मसीह में विश्वास करना हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, वैसे ही उसके लिए कष्ट उठाना भी है। दुख पर यह शांत दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है क्योंकि हमारी अधिकांश हताशा हमारी पथभ्रष्ट अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है कि पतित दुनिया में रहने का क्या मतलब है। मसीह ने हमें स्पष्ट रूप से कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यूहन्ना 16:33। जो मैंने ऊपर कहा है उसके साथ मैं ये संकेत नहीं देना चाहता कि दुख से गुजरना आसान है। पीड़ा के साथ परमेश्वर के कुछ उद्देश्यों को समझने की कोशिश करने का तथ्य दर्द की वास्तविकता को नकारता नहीं है। परमेश्वर आप ही हमसे दुख उठाता है। यशायाह 6:9। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने हाथ में दिल के साथ मौजूद होता है जब वह अपने बेटे की पीड़ा में भाग लेता है जबकि वह एक दर्दनाक चिकित्सा प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। इस तथ्य का कि वह डॉक्टर का हाथ नहीं रोकता इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने बेटे से प्यार नहीं करता, बल्कि इसके विपरीत, भगवान हमारे दुख को देखता है और हमारे साथ दुख भी होता है। लेकिन वह जानता है कि हम जो अनुभव करते हैं वह हमारे भले के लिए है और इसलिए वह इसकी अनुमति देता है। भजनहार ने इस महान सत्य को समझा और लिखा, मेरे लिए दुख लेना भला ही है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। भजन 119:71। एक प्राचीन गुमनाम पाठ कुछ ऐसा कहता है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। भगवान अपने प्यार में हमेशा वही चाहते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा हो। अपनी बुद्धि में वह हमेशा जानता है कि सबसे अच्छा क्या है। उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। हम में से बहुत से लोग बौद्धिक रूप से इसकी पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन हम में से कितने वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं? अपने सर्वोपकारी, सर्वज्ञानी और सर्वसामर्थी परमेश्वर में सच्चा विश्वास रखने के द्वारा ही हम अय्यूब की तरह कह सकते हैं, अपने सभी बच्चों को खोने के बाद भी यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा के नाम से धन्य है। अय्यूब 1:21। अपनी पीड़ित और कटु पत्नी के निराशाजनक दावों को सुनने के बाद भी अय्यूब ने स्वयं को बड़ी समता के साथ पूछने तक सीमित कर लिया, क्या हम परमेश्वर की भलाई को ग्रहण करें और बुराई को न ग्रहण करें? अय्यूब 2:10। सबसे गहरी पीड़ा के बीच भी अपने परमेश्वर पर संदेह करना कोई हल्की बात नहीं है। जब हम ईश्वर पर संदेह करते हैं तो हम उनकी बुद्धिमता, शक्ति, विश्वास योग्यता, संप्रभुता और अच्छाई पर सवाल उठाते हैं। पुराने नियम में दर्ज इसराइल के लोगों का अविश्वास एक गवाही के रूप में बना हुआ है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भगवान के खिलाफ बात की और कहा, क्या भगवान रेगिस्तान में एक टेबल तैयार कर सकते हैं? फिर उसने चट्टान पर मारा और पानी बह निकला और धाराएं उमड़ने लगी, क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या उसके लोग शुद्ध मांस देंगे? इसलिए ये सुनकर भगवान क्रोधित हुए।
याकूब के विरुद्ध आग भड़की और इसराइल के विरुद्ध कोप भी भड़क उठा, क्योंकि उन्होंने न तो परमेश्वर पर विश्वास किया और न उसके किए हुए उद्धार का भरोसा रखा। भजन 78:19-22। उसकी समस्या रोटी या पानी की कमी नहीं थी, समस्या लोगों की शिकायत भी नहीं थी। उसकी वास्तविक समस्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर में विश्वास या भरोसा न करना था। परमेश्वर का विधान कुछ ऐसा है जिसे हमें लगातार अपने विचारों में लाना चाहिए। मनुष्य भूल जाते हैं कि प्रभु कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है और वह हमारे पक्ष में क्या करना जारी रखना चाहता है। परमेश्वर का विधान उसका सतत आयोजन है, एक सक्रिय तरीके से ब्रह्मांड में होने वाली सभी घटनाओं का उसके द्वारा इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे उसके उद्देश्यों को प्राप्त करें और उसकी महिमा का बखान करें। जैसा कि जेरी ब्रिजेस ने लिखा है, कोने में मकड़ी का जाला और नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप भर में अपनी सेना का मार्च करना दोनों ही ईश्वर के नियंत्रण में है। तो फिर यह महत्वपूर्ण है कि हम लगातार इस प्रमुख सत्य पर मनन करें जो हमें दुखों का सामना करने में मदद करेगा। हम ईश्वर पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसने हमें अपने वचन में, अपनी रचना में और चर्च में अपने काम की गवाही में अपनी विश्वासयोग्यता दिखाई है। हम जानते हैं कि उनका प्रेम अनंत है, उनकी शक्ति असीमित है, उनके उद्देश्य अपरिवर्तनीय हैं और उनकी बुद्धि असीमित है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम उन पर भरोसा कैसे नहीं कर सकते। वह मानता है कि यहोवा ही वह है जो उजियाले का रचने वाला और अंधकार का रचने वाला है, जो कल्याण लाता है और विपत्ति को उत्पन्न करता है, और जो आदि से अंत की घोषणा प्राचीन काल से करता आया है, जो आने वाला है, यशायाह 45:7 और अध्याय 46:10। यहाँ तक कि लोग अपनी तमाम दुविधाओं, असफलताओं और विद्रोह के साथ भी उनके संप्रभु हाथ से नहीं बच पाते। राजा का मन नालों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जहाँ वह चाहता है वही उसको भेजता है। नीतिव 21:1। सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक जिसका हम सामना कर सकते हैं वह है दुखों के बीच में परमेश्वर से प्रश्न करना। यहाँ तक कि अय्यूब, जिसे परमेश्वर ने खरा और सीधा कहा, अय्यूब 1:9, अपने अनुभव की शुरुआत में जब उसकी पीड़ा बहुत बड़ी थी तब वह यहोवा से प्रश्न करने आया। अय्यूब ने परमेश्वर से कुछ 60 विषम प्रश्न पूछे और उनमें से कम 16 का भाव निम्नलिखित था, ये क्यों या वह क्यों। प्रभु उनके प्रश्नों से विचलित नहीं हुए। वह अपने जीवन के साथ क्या कर रहा था, इसका एक भी जवाब उसने नहीं दिया। क्योंकि हमारे परमेश्वर को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सर्वोच्च है, लेकिन वह हमें कीमती और अद्भुत प्रतिज्ञाएं प्रदान करता है। पत्रस 1:4। उसने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया है क्योंकि परमेश्वर के वादों पर अपनी आंखों के साथ जीना उस पर हमारे भरोसे को दर्शाता है। जब मैं शिकायत करता हूँ तो परमेश्वर की प्रतिक्रिया यह नहीं होगी कि जो मुझे परेशान करता है उसे तुरंत दूर कर दे। उसका उत्तर होगा मुझे रूपांतरित करना। जब वह मुझे रूपांतरित करता है तो दो चीजों में से एक घटित होती है, समस्या अब मुझे परेशान या चिंतित नहीं करती है, या परमेश्वर इसे दूर कर देता है। एक और अवलोकन, भगवान अक्सर हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देते क्योंकि वह जानते हैं कि कई मौकों पर हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। वही सच है जब 5 साल का बच्चा पूछता है कि बच्चा माँ के गर्भ में कैसे जाता है। उस बच्चे के प्रश्न के प्रति हमारी प्रतिक्रिया स्पष्ट कारणों से हमेशा सीमित रहेगी। वह शुक्राणु और डिम के बारे में कुछ भी नहीं समझेगा, न ही वह ये समझ पाएगा कि वह शुक्राणु अंडे को निषेचित करने के लिए फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि भगवान हमें भौतिक क्षेत्र में और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में सांसारिक और सार्वभौमिक दुनिया की जटिलताओं को समझाते हैं। मुझे लगता है कि जब हम सवाल पूछेंगे तो हम उससे ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे।
इसे देखते हुए हम केवल आश्चर्य कर सकते हैं कि कौन उसके दिमाग में प्रवेश कर सकता है। ओह, धन और ज्ञान की गहराई और भगवान का ज्ञान, उसके विचार कैसे अगम और उसके मार्ग कैसे अगम है, क्योंकि यहोवा की मनसा को किसने जाना है, या उनका सलाहकार कौन बना, या किसने उसे पहले दिया है कि उसे प्रतिफल देना पड़े, उसकी वजह से, उसके द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसकी सदा जय हो, आमीन। रोमियो 11:33-36। मुझे अपनी कलिसिया में एक व्यक्ति याद है जिसका एक बहुत ही कठिन बॉस था और जब भी मौका मिलता उसकी शिकायत करता था। हमारी बातचीत के दौरान मैंने उससे ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे भगवान उसे ढालने और उसे यीशु मसीह की तरह अधिक से अधिक विकसित करने के लिए अपने मालिक का उपयोग कर सकता है। कुछ समय बाद उसने अंततः उस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया और अपने मालिक के लिए प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद मैंने उनसे पूछा कि बॉस के साथ चीजें कैसी चल रही हैं और उन्होंने उत्साहित होकर कहा, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उन्होंने पिछले सप्ताह इसे बदल दिया? मैंने उत्तर दिया, जरूर, क्योंकि आपने शिकायत करना बंद कर दिया है। भगवान ने अपना काम किया और दुख के उस साधन ने अपना उद्देश्य पूरा किया। ये संभव है कि यदि प्रभु ने अभी तक दुख को दूर नहीं किया है तो यह इसलिए है क्योंकि वह किसी न किसी तरह से इसे हमारे भले के लिए उपयोग करना जारी रखना चाहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर पर ध्यान दें न कि दर्द के स्रोत पर। यदि मैं प्रभु को पहले स्थान पर रखने में सफल होता हूं, तो मैं ये जानकर शांत और सुरक्षित चल सकूंगा, ये जानकर कि उसकी योजनाएं मुझसे बेहतर हैं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में क्या? कुछ लोगों के लिए ये स्वीकार करना समझ में आता है कि हम अपने या दूसरों के पाप के लिए पीड़ित हैं, लेकिन वे भूकंप, तूफान या महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण हजारों लोगों की मौत को देखकर भयभीत हैं, जैसा कि हमने पिछले आलेख में देखा है। हमारे दिन ईश्वर कहाँ है जब प्रकृति की शक्तियां उन्मुक्त हो जाती हैं और आपदा का कारण बनती है। परमेश्वर हमें अपने वचन में सिखाता है कि वह सभी प्राकृतिक आपदाओं और अंधापन या बहरेपन जैसी मानवीय अक्षमताओं के लिए भी जिम्मेदार है। दुनिया में जो हो रहा है उसके लिए भगवान को माफ करने का कोई कारण नहीं है। वह सर्वोच्च है और वह करता है जो वह चाहता है। भजन 115:3। भविष्यद्वक्ता आमोस बहुत सीधा है जब वह पूछता है, यदि नगर पर विपत्ति आ पड़े तो क्या यहोवा ने ऐसा नहीं किया? आमोस 3:6। परमेश्वर किसी भी प्राकृतिक आपदा के पूर्ण नियंत्रण में है। यशायाह 45:7। जब योना ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने एक प्रचंड तूफान भेजा। जिस नाव में यीशु और उसके चेले यात्रा कर रहे थे, जब उस पर तूफान आया तो पानी के शांत होने के लिए प्रभु का आदेश ही काफी था। उदाहरण के लिए, जब हम तूफान की धमकी से पहले प्रार्थना करते हैं तो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास हवाओं को रोकने की शक्ति है। हम ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, क्लेशों में हमारी प्रारंभिक सहायता। इसलिए अगर पृथ्वी परिवर्तन से गुजरती है तो भी हम डरेंगे नहीं। और यद्यपि पर्वत समुद्र के तल में सरकते हैं, यद्यपि उनका जल गरजता और हलचल करता है, चाहे पर्वत बढ़ते हुए क्रोध से कांप उठे। भजन 46:1-3। एक अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भूकंप आया। परिणाम स्वरूप कई राज्य पादरी एक संयुक्त संदेश देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। बैठक के अंत में एक पादरी को प्रार्थना में समूह का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। इस पादरी ने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू किया कि भूकंप सुबह 5 बजे आया था न कि व्यावसायिक घंटों के दौरान। मैंने सोचा, फिर क्या परमेश्वर का भूकंप से कोई लेना देना है या नहीं?
अगर भूकंप से भगवान का कोई लेना देना नहीं था तो उस समय के लिए भगवान का धन्यवाद क्यों करे जब ये हुआ। यहाँ तक कि पादरी भी इस जीवन में दुख के अनुभवों का मूल्यांकन करने में असंगत हो सकते हैं। ये कहना कि आपदाएं परमेश्वर के नियंत्रण में है भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, इससे निराशावादी रवैया तो बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए जो हमें ये कहने पर मजबूर करता है कोई और विकल्प नहीं है। इसके विपरीत भाग्यवाद उन परिस्थितियों के लिए इस्तीफा है जो वे हैं, यह मानते हुए कि कोई कारण या उद्देश्य नहीं है, ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का विधान जिसके बारे में हमने अभी बात की है घोषणा करता है कि परमेश्वर के पास उत्कृष्ट योजनाएं हैं, भले ही हम उन्हें समझ नहीं सकते। ये संभव है कि किसी आपदा के तात्कालिक कारणों के बारे में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो उत्पन्न होती हैं, वे हवाओं के तापमान, विवर्तनिक दोष और इसी तरह के अन्य प्राकृतिक कारणों का परिणाम है। लेकिन हम सभी को अंतिम कारण पर सहमत होना चाहिए जो कि वही भगवान है। मैं भूकंप के उदाहरण का उपयोग ये समझाने के लिए करूंगा कि कैसे प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने चार अलग अलग कारणों को अलग किया। भौतिक कारण किसी घटना के लिए जिम्मेदार पदार्थ या पदार्थ है। विश्लेषण के मामले में वह कारण पृथ्वी या अवमृदा है। कारण ये वह विशेषता है जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करती है। एक भूकंप में हम कह सकते हैं कि औपचारिक कारण उस क्षेत्र में मौजूद अवमृदा में दोष था लेकिन दूसरों में नहीं। कुशल कारण ये किसी घटना का ट्रिगरिंग कारक है। इस विशेष मामले में हम कह सकते हैं कि यह ऊपरी विवर्तनिक परत का भार था जिसे नीचे की परतों द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकता था। अंतिम कारण ये वह उद्देश्य है जिसके लिए कुछ बनाया गया था। इस मामले में वह कारण परमेश्वर है और वे उद्देश्य जो वह हर बार अपने लिए निर्धारित करता है जब वह कुछ विपत्ति आने देता है। ईश्वर ने प्रकृति को पूरी तरह से कार्य करने के लिए बनाया लेकिन मनुष्य के पाप ने सृष्टि की स्थिरता को नष्ट कर दिया। प्रकृति विघटित है क्योंकि यह पतन में भाग लेती है। परमेश्वर इस खराबी को नहीं रोकता है क्योंकि यह पतन के प्रभावों और पाप के अपरिहार्य परिणामों से बचने जैसा होगा। हालांकि इन सब के बीच प्रकृति में मौजूद उन विकारों का उपयोग करने के लिए भगवान के अलग अलग उद्देश्य हैं। कभी कभी न्याय के रूप में आमोस 4:6-11 दूसरी बार अच्छे के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसा कि जोनास और तूफान के मामले में, अन्य अवसरों पर दर्द के बीच दया दिखाकर उसके नाम की महिमा करने के लिए और मनुष्य को अपने चरणों में लाने के लिए भी, और अक्सर मनुष्य के लिए उद्धार लाने के लिए मसीह के क्रूस की तरह, और दूसरी बार हमें पवित्र करने के लिए, जैसा कि पत्रस अपनी पहली पत्री में समझाता है और जैसा कि पौलुस अपने कई भागों में करता है। हम सभी को प्रभु में विश्राम करना चाहिए। मेरा आराम यह नहीं है कि चीजें ठीक हो जाएंगी जैसा कि मैं अच्छा का अर्थ समझता हूँ। चीजें वास्तव में अच्छी होने जा रही हैं क्योंकि सच्ची भलाई वही है जो परमेश्वर ने अपनी योजनाओं में की है। वह सच्चा अच्छा क्या है? उसकी महिमा और उसके स्वरूप में मेरा रूपांतरण, रोमियो 8:28। चाहे कुछ भी हो जाए, सभी चीजें मिलकर उस भले के लिए काम करेगी। दुखों का आशीर्वाद। इससे पहले हमने भजन 119:71 का हवाला दिया था। हम में से कितने लोग भजनकार के साथ कह सकते हैं, मेरे लिए दुख लेना अच्छा है कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। शास्त्र हमें दिखाते हैं कि इस पतित संसार में रहने के दौरान हमें दुख सहना ही नहीं है। दुख भी एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में आशीष ला सकती है। आज्ञाकारिता उन आशीषों में से एक है। दुख के माध्यम से परमेश्वर हमें उसकी इच्छा के अनुसार आज्ञाकारिता में चलना सिखाता है। एक और वरदान है टूटना। दाऊद ने इन शब्दों के साथ यहोवा की स्तुति की, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है,
और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। दर्दनाक परिस्थितियों के माध्यम से भगवान हम में विनम्रता पैदा करते हैं और हमें वचन और प्रार्थना के माध्यम से उनकी तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन 40 वर्षों के दौरान तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सारे जंगल में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र करे और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है, और यदि तू उसकी आज्ञाओं का पालन न करेगा तो वह सब मार्ग में तुझे स्मरण रखेगा। उसने तुझे दीन किया और तुझे भूखा रहने दिया और तुझे वह मन्ना खिलाया जिसे न तू जानता था और न तेरे माता पिता जानते थे, कि तू यह समझे कि मनुष्य न केवल रोटी से जीवित रहता है परंतु जो कुछ यहोवा के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। व्यवस्था विवरण 8:2-3। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दुख टूट जाने के समान नहीं है। कभी कभी लोगों को बहुत पीड़ा होती है लेकिन उनके दिल अटूट रहते हैं, जैसा कि इब्रानी निर्गमन के दौरान फिरौन के साथ हुआ था और स्वयं अधिकांश इब्रानी लोगों के साथ हुआ था। लेकिन हम अच्छी तरह से पीड़ित हो सकते हैं जब भगवान हमारी आंखें खोलते हैं, और उस दर्द के बीच में जब मेरी भावनाओं को कुचल दिया गया है, मैं पहचानता हूँ कि मुझमें कुछ भी अच्छा नहीं है और मुझमें कोई गुण नहीं है जो प्रभु के सामने मेरे पक्ष में हो। यहाँ तक कि जिस हवा में मैं सांस लेता हूँ वह भी एक नाहक उपहार है। ये किसी ऐसे व्यक्ति का सही रवैया है जो वास्तव में टूट चुका है। ये भी एक आशीर्वाद है जिसकी प्रत्येक विश्वासी को लालसा करनी चाहिए, और इस कारण से हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु यदि आवश्यक हो तो मुझे तोड़ दे। आइए हम उस तरीके पर ध्यान दें जिसमें भजनकार अपने विचारों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमारी परीक्षा ली है, तूने हमें ऐसा निर्मल किया है जैसा चांदी निर्मल किया जाता है, तूने हमें जाल में डाला, तूने हमारी कमर पर भारी बोझ डाल दिया है, तूने मनुष्यों को हमारे सिरों के ऊपर से चढ़ाया, हम आग और जल में से होकर गए परंतु तूने हमको निकाल कर बहुतायत के स्थान में पहुंचा दिया। भजन संहिता 66:10-12। आइए विचारों के क्रम पर ध्यान दें। तूने हमारी परीक्षा ली, यही से हमारे पाप प्रकाश में आते हैं। आपने हमें शुद्ध किया है, पवित्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप हमें बहुतायत के स्थान पर ले आए। बहुतायत को संभालने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए यह अक्सर समाप्त हो जाता है क्योंकि इसके बिना हम नहीं जानते कि इसे सही तरीके से कैसे संभालना है। टूटना एक ऐसा हृदय उत्पन्न करता है जो स्वयं को सिखाने की अनुमति देता है, क्योंकि यह नम्र और परमेश्वर की आवाज के प्रति संवेदनशील है। ये सब उसे तेजी से बुद्धिमान बनाता है। इसके विपरीत जब एक अखंड हृदय परमेश्वर के आशीषों का अनुभव करता है तो उसे विश्वास होता है कि वह इसके योग्य है। जब एक अखंडित हृदय परमेश्वर की महिमा का अनुभव करता है तो वह विश्वास करता है कि वही है जिसने इसे उत्पन्न किया है। जब एक अखंड हृदय ईश्वर की शक्ति का अनुभव करता है तो वह उस शक्ति का दिखावा करता है, उसका उपयोग करता है और उसका दुरुपयोग करता है। जब एक अखंड हृदय ईश्वर के विशेषाधिकारों का अनुभव करता है तो यह विश्वास करने लगता है कि विशेषाधिकार अधिकार है। जब एक टूटे हुए दिल को उपहार मिलता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि उपहार एक जन्मजात कौशल है जिसे उसने विकसित किया है। इन सभी कारणों से यह है कि हमें अपने भले परमेश्वर के हाथों में तोड़े जाने की आवश्यकता है। वह हमारी मदद करे और हमारे दर्द के बीच में उसकी महिमा हो। अध्याय 8, मैं कहां जा रहा हूं। गंतव्य, हमारे प्रस्थान का सामना करना पड़ रहा है। एक डॉक्टर और पादरी के रूप में मुझे कई लोगों के साथ आखिरी दिनों में और यहां तक कि उनके जीवन के आखिरी घंटों में भी साथ देने का अवसर मिला है।
कुछ आवृत्ति के साथ इन अफसरों ने उन लोगों के लिए सुसमाचार की प्रस्तुति को सुगम बनाया है जो अपने जीवन के अंत में हैं। इन मामलों में मुझे पता चला है कि चिंता और अनिश्चितता उन लोगों के लिए सामान्य अनुभव होते हैं जो मृत्यु के निकट हैं। इस कारण से मुझे अपने मरीजों या भेड़ों या दोनों से पूछने की आवश्यकता महसूस हुई है, अगर कोई ऐसी चीज है जिससे वे डरते हैं कि उनके दिन या घंटे कम हो गए हैं। लोग अक्सर अलग अलग उत्तर देते हैं, लेकिन सबसे आम अभिव्यक्तियों में से एक ईसाई होने का दावा करने वालों के लिए भी मुझे डर लगता है। उस जवाब का सामना करते हुए हमेशा मेरा अगला सवाल रहा है, आप किससे डरते हैं? ये आम तौर पर सबसे आम प्रतिक्रिया रही है। मुझे समय आने पर दर्द का अनुभव होने की संभावना से डर लगता है, मुझे अज्ञात से डर लगता है और मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार हूँ। इन कथनों ने मुझे उनके डर के बारे में बात करने का अवसर दिया है और उन्हें एक चिकित्सीय उत्तर देने का प्रयास किया है, जिसके बाद एक स्पष्टीकरण और आध्यात्मिक प्रस्ताव यानी यीशु मसीह का सुसमाचार है। मुझे वह अवसर बहुत स्पष्ट रूप से याद है जब मैं अपने एक मरीज के साथ बातचीत कर रहा था। वह राष्ट्र में सर्वोच्च सैन्य रैंक तक पहुंच गया था। मैंने कमरे में प्रवेश किया, उसे अकेला पाया और कहा, श्री अमुक, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, उन्होंने कहा, जिस पर उन्होंने जारी रखा, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आलाकमान के पदों तक पहुँचे, अपना नाम बनाया, एक निश्चित भाग्य विकसित किया, उनका एक बड़ा परिवार है और भगवान ने उन्हें लंबे समय तक जीने का सौभाग्य दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता था, इतना कुछ हासिल करने के बाद अपने वर्षों के अंत में अब आप कैसा महसूस करते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं खाली महसूस करता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? उसने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता। तो मैंने पूछा, क्या मैं जानना चाहता हूँ? जरूर, उसने जवाब दिया। इससे मुझे उनके साथ सुसमाचार साझा करने का मौका मिला। मेरे रोगी ने उस सुबह प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और बाद में सबूत दिया कि उसका विश्वास का अंगीकार सच्चा था। वास्तविकता यह है कि मनुष्य की एक धारणा है कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं होता है। अपने अवचेतन में पुरुष और महिलाएं एक ऐसे भगवान के सामने आने के विचार से डरते हैं जिसे वे कभी नहीं पहचान पाएंगे। एक और यह इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने अनंत काल को भीतर रखा है। सभोपदेशक 3:11। दूसरी ओर परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रखा है। रोमियो 2। वह नियम कुछ के अस्तित्व की बात करता है जो इस दुनिया से परे है। निम्नलिखित कहानी दर्शाती है कि हमने अभी क्या कहा है। उपराष्ट्रपति के रूप में जॉर्ज बुश ने पूर्व सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के अंतिम संस्कार में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया। ब्रेजनेव की विधवा द्वारा किए गए मौन विरोध से बुश बहुत प्रभावित हुए। ताबूत के बंद होने से कुछ सेकंड पहले तक वह ताबूत के बगल में गतिहीन रहा। फिर जैसे ही सैनिकों ने ढक्कन को छुआ, ब्रेजनेव की पत्नी ने बड़े साहस और आशा का कार्य किया, एक इशारा जिसे निश्चित रूप से अब तक किए गए सविनय अवज्ञा के सबसे गहन कृत्यों में से एक माना जाना चाहिए। उसने नीचे कदम रखा और क्रॉस का चिन्ह बनाया पति के सीने पर। वहाँ नास्तिक धर्मनिरपेक्ष शक्ति के गढ़ में उस आदमी की पत्नी जिसने इसे चलाया था को उम्मीद थी कि उसका पति गलत था। उसने आशा की कि एक और जीवन था और वह जीवन यीशु द्वारा बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा जो क्रूस पर मर गया और कि यीशु स्वयं उसके पति पर दया कर सकता है।
आदम और हव्वा के पतन के बाद उन्होंने तुरंत आत्मिक मृत्यु का अनुभव किया और अंततः शारीरिक मृत्यु का अनुभव करेंगे, जैसा कि उन्होंने किया था। इस पहले जोड़े ने एक झूठ को सच मानने के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें अपने सामने से निकाल दिया, उसने उन्हें वाटिका से बाहर निकाल दिया। उत्पत्ति 3:23-24। ये जानते हुए कि यह उसी में है कि हम जीते हैं, आगे बढ़ते हैं और अस्तित्व में है। परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु के बारे में चेतावनी दी थी, प्रेरितों के कार्य 5:28। इस नई वास्तविकता को देखते हुए मानव जाति की आध्यात्मिक और शारीरिक मृत्यु, भगवान के पास दो विकल्प थे, सभी मानवता को अनंत काल के लिए नरक में भेज दे या कुछ ऐसा करे जो छुटकारे का मार्ग प्रदान करे। भगवान ने अपने असीम प्रेम में बाद का फैसला किया और अपने बेटे को हमारे पास भेजा। यीशु मानवता की आशा। यीशु एक मिशन के साथ आता है जब वह देह धारण करता है जो खो गया था उसे बचाने के लिए, 19:10। पाप में गिरने के बाद आदम और हव्वा का अंत उस स्थिति से बहुत अलग स्थिति में हो गया था जिसकी उन्हें सृजी गई थी। वे अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए। एफिसियों 2:1 वाटिका के बाहर उत्पत्ति 3:24 परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने के मार्ग के बिना और सत्य को त्रुटि से अलग करने के लिए विवेक की एक खराब भावना के साथ, क्योंकि उनके दिमागों को अंधेरे या अंधेरे में छोड़ दिया गया था। कुरिथियों को 2:4। तब से मनुष्य ईश्वर के लिए रास्ता खोज रहा है, परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं, परंतु गर्भधारण करने वाले परमेश्वर को। जादू कुछ के लिए रास्ता रहा है, दार्शनिक प्रणालियां दूसरों के लिए मार्ग रही है। नैतिकतावाद ने बहुतों को विश्वास दिलाया है कि जिस तरह से वे परमेश्वर के सामने स्वीकृति प्राप्त करेंगे। दुर्भाग्य से वे सभी सड़कें एक ही स्थान पर समाप्त होती हैं, अनंत विनाश में। कई बार तांत्रिकों की दुनिया में पढ़ने वाले ये सोचते हैं कि गुप्त ज्ञान केवल कुछ लोगों को ही उपलब्ध होता है और उक्त ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरी और बाद की शताब्दियों के नोस्टिक्स इसी भावना के थे, जैसा कि पूरे इतिहास में कई अन्य समूह रहे हैं। जो लोग कुछ दर्शनों को अपनाते हैं, वे सोचते हैं कि मनुष्य का ज्ञान हमें इस संसार की कठिनाइयों से मुक्त करने का मार्ग है, या वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस जीवन के बाद और कुछ नहीं है। नैतिकतावादी अक्सर सोचते हैं कि अंत में न्यायाधीश भगवान उनके बुरे कामों के खिलाफ उनके अच्छे कामों को तौलेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि संतुलन उनके पक्ष में होगा। हालांकि यह एक निष्कर्ष है कि वे बिना किसी आधार और बहुत कम तर्क के पहुंचे हैं। ज्ञान के शिक्षक इसे अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में वह मृत्यु का मार्ग है। नीतिवचन 2:12 जोर दिया गया। इसलिए हमें निम्नलिखित निर्देश पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। अपने सब कामों में उसी को पहचानो और वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। नीतिवचन 3:5-7 जोर दिया गया। चीजें सच नहीं है क्योंकि कोई उन्हें पुष्टि करता है। हमें किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता होती है, और सबसे ऊपर अगर यह अनंत जीवन से संबंधित है। दूसरों ने दुनिया के कई धर्मों में से एक को अपना लिया है, यह विश्वास करते हुए कि अच्छे काम करना मोक्ष के लिए आवश्यक है। इन धर्मों में बिना किसी अपवाद के मुख्य शब्द करना है। केवल ईसाई धर्म में मुख्य शब्द किया
किया। जैसा कि यीशु ने कहा, ये समाप्त हो गया, यूहन्ना 19:35 है। दुर्भाग्य से कोई भी मसीह को जाने बिना अच्छे कार्य नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य के सभी गुण पाप से दागदार या प्रभावित थे। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छा, दूसरों से संबंधित होने की उसकी क्षमता और उसकी बाकी सभी क्षमताएं। जैसा कि पौलुस ने रोमियो को लिखी अपनी पत्री में ये प्रकट किया है, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं समझता, भगवान को खोजने वाला कोई नहीं है, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, रोमियो 3:10-12। मनुष्य परमेश्वर को चाहने, परमेश्वर को खोजने और परमेश्वर को समर्पित होने में पूरी तरह से अक्षम था। इसलिए एक विकल्प की आवश्यकता थी जो वह कर सके जो हम नहीं कर सकते। एडम ने भगवान के कानून का उल्लंघन किया और कानून के दाता के साथ संबंध बहाल करने का एकमात्र तरीका उक्त कानून के अनुपालन के माध्यम से था, जो एक बहुत ही सरल कारण के लिए इंसान के लिए एक असंभवता थी, क्योंकि दिमाग अंदर चला गया शरीर तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर का शत्रु है, क्योंकि वह परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, क्योंकि वह ऐसा कर भी नहीं सकता, रोमियो 8:6-7। पतन के साथ मनुष्य की इच्छा पाप के अधीन हो जाती है, तीमुथियुस 2:25-26 के लिए दूसरा पत्र, और इसलिए परमेश्वर को चुनने में उसकी अक्षमता। इस कारण से भगवान ने हमें अपने पुत्र त्रिमूर्ति के दूसरे व्यक्ति को भेजा, जो कानून को पूरा करने के लिए अवतरित हुआ था, और इसे पूरा करके हमारे प्रतिस्थापन में मरने में सक्षम होने के लिए, हमारे पापों को उठाने और अपने लिए दंड का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए, कुरिथियों 3:21 को दूसरा पत्र। अपनी मृत्यु से एक रात पहले यीशु ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया कि वह मुक्ति का एकमात्र मार्ग था और है। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, यूहन्ना 14:6। यीशु एकमात्र मार्ग के रूप में अन्य सभी को बाहर कर देता है। सत्य में त्रुटि के लिए कभी स्थान नहीं होता। उदाहरण के तौर पर जरा इस हकीकत पर गौर कीजिए कि कोई भी बैंक नकली नोटों को स्वीकार नहीं करता, भले ही वे मूल बिलों से कितने ही मिलते जुलते हो। हालांकि अगर नकली बैंक नोट बैंक थे तो वे असली बैंक नोट स्वीकार करने को तैयार होंगे, क्योंकि नकली नोटों पर उनका मूल्य है। इस कारण से हिंदू धर्म जैसे धर्मों में वे यीशु को एक प्रबुद्ध व्यक्ति या उनके कई दिव्यताओं में से एक के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि त्रुटि में सत्य के लिए हमेशा जगह होगी। सत्य ऐसी किसी चीज की अनुमति नहीं देता है, और जो कुछ भी सत्य है, परिभाषा के अनुसार ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अन्य सभी संभावनाओं को बाहर कर देता है। यीशु ने इस बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से कहा जब उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और लुटेरे हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और वह भीतर बाहर आया जाया करेगी और चारा पाएगी। एल लड्रन सोलो वीएन पारा रोबर मटर वाई डेस्ट्रेव योही वेनी डो पारा के टेंगन विदा वाई पारा के लिटेंगन एन एब्यूंडेंसियर हवन 10:7-10। मनुष्य की अंतिम नियति इस बात पर निर्भर करती है कि वह व्यक्ति इस जीवन में यीशु के साथ क्या करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह यीशु पर विश्वास करता है या नहीं। ये सच है जिस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है।
जिस मार्ग से हमें बगीचे में लौटने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन हमें जीने की जरूरत है। एक वाक्य में यीशु यहूदी धर्म के तीन केंद्रीय विषयों पर प्रकाश डालता है। नंबर एक, पथ की अवधारणा। मार्ग जानने का संकेत पुराने नियम में बार बार आने वाला विषय है। मूसा परमेश्वर से याचना करता है, मैं तुझ से विनती करता हूँ कि अपने मार्ग मुझे बता दे कि मैं तुझे जानू और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहूं। निर्गमन 33:13। मूसा परमेश्वर के चरित्र को जानने के लिए परमेश्वर के तरीकों को जानने से संबंधित करता है। साफ, क्योंकि उसके तौर तरीके बताते हैं कि वह कौन है। परमेश्वर के मार्ग पवित्र है, न्यायपूर्ण है, दयालु है, जैसा वह है। जब मूसा को परमेश्वर के करीब आने के लिए अपनी चप्पल उतारनी पड़ी, उसी क्षण वह परमेश्वर के मार्गों की वास्तविकता को समझने लगा। ये पवित्रता के मार्ग है। इसलिए लोगों द्वारा सोने के बछड़े की पूजा करने के बाद परमेश्वर ने उनके साथ न रहने और उनके स्थान पर एक स्वर्गदूत भेजने की धमकी दी। निर्गमन 33। इब्रानी लोगों के मन में परमेश्वर का मार्ग एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी। जिस परमेश्वर से डरता था और जिसे लोग देख नहीं सकते थे, उससे कैसे संपर्क किया जाए, ये कुछ अज्ञात था। यहाँ तक कि हिब्रू लोगों के लिए भी मसीह की अनुपस्थिति में यहूदी भगवान के लिए रास्ता खोजने की आवश्यकता के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। ध्यान दे कि भजनहार क्या लिखता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए थे दीपक और मेरे मार्ग के लिए थे उजियाला है। भजन 119 पद्य 105। भगवान मुझे अपना रास्ता सिखाओ। भजन 27 पद 11। यहाँ तक कि मूसा भी, जो एक मित्र के रूप में परमेश्वर से बात करता था, दूसरे मित्र से बात करता था, वो परमेश्वर के तरीकों को नहीं जानता था या उन्हें नहीं समझता था, और इसलिए उसका अनुरोध जो हमने पहले देखा था। सड़क एक ऐसी चीज है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है या जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक यही यीशु है, वो व्यक्ति जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है, वो व्यक्ति जो मनुष्य को अंधकार की दुनिया से प्रकाश की दुनिया में ले जाता है। ये वह व्यक्ति है जो मनुष्य को उसकी गुलामी की स्थिति से उसकी स्वतंत्रता की स्थिति में ले जाता है, अनाथ होने से लेकर गोद लिए जाने तक, मृत्यु से जीवन तक। इसलिए यीशु को मार्ग कहा जाता है। लोग इस विचार को अस्वीकार करते हैं कि मसीह मार्ग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने तरीके से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए अपना स्वयं का मार्ग बनाना चाहेगा। सृष्टिकर्ता से स्वतंत्र होने में प्राणी की रुचि बनी रहती है। यदि हमारे पास उन तक पहुंचने के लिए भगवान द्वारा दिए गए 100 अलग अलग रास्ते हैं, तो मुझे यकीन है कि हम उस संख्या को प्रतिबंधित पाएंगे और कम से कम हमारे द्वारा तैयार किए गए एक और की मांग करेंगे। नंबर दो, सत्य की अवधारणा। अब ध्यान दें कि कैसे भजनहार सच्चाई के साथ रास्ते के विषय को जोड़ता है। मुझे सिखाओ हे भगवान अपना रास्ता, मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा। भजन संहिता 86:11। ईश्वर की ओर लौटने का मार्ग सत्य का मार्ग है। झूठ पर विश्वास करने के कारण आदम और हव्वा को बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। वापसी के लिए सत्य को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। इसलिए मसीह को न केवल मार्ग कहा गया, बल्कि सत्य भी कहा गया। मसीह न केवल सच बोलने आया था, बल्कि वह उसे साकार करने भी आया था। इस प्रकार भाइयों, जब हम मसीह के प्रति समर्पण करते हैं, तो हमने सत्य के सभी आयामों में समर्पण किया है। इससे हमारे लिए झूठ बोलना लगभग असंभव हो जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि हम समझते हैं कि हर बार जब हम झूठ बोलते हैं तो हम प्रकाश की दुनिया के बजाय अंधेरे की दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। सत्य को भावनाओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, लेकिन यीशु के व्यक्तित्व के आधार पर छोटी छोटी बातों में भी सत्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मसीह ने यहाँ पृथ्वी पर अपने मिशन को सच्चाई के इर्द गिर्द परिभाषित किया। जब रोमन अधिकारियों के सामने उनकी कोशिश की जा रही थी, तो तुम एक राजा हो। पिलातुस ने उससे कहा, तुम कहते हो कि मैं एक राजा हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, इसके लिए मैंने जन्म लिया है और मैं इस दुनिया में सच्चाई की गवाही देने के लिए आया हूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यूहन्ना शाम के 6:37। नंबर 3, जीवन की अवधारणा। मार्ग और सत्य होने के अतिरिक्त मसीह ने जीवन होने का दावा किया। याद रखें कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उत्पत्ति का पाठ इंगित करता है कि बगीचे के बीच में एक पेड़ था जिससे वे नहीं खा सकते थे। क्या आपको पेड़ का नाम याद है? जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पहले आदम ने आज्ञा न मानने के कारण अपना जीवन खो दिया, अब दूसरे आदम में मनुष्य जीवन को पुनः प्राप्त करता है। ये ध्यान देना अविश्वसनीय है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया और उन्होंने खा लिया। और अब नए नियम में मसीह स्वयं को जीवन की रोटी के रूप में प्रस्तुत करता है, जीवन के वृक्ष के समान जिसका फल हम सब खा सकते हैं और कोई उसका फल खाना नहीं चाहता। मनुष्य विद्रोही है, जब उसे खाने से मना किया जाता है तो वह खाता है और जब उसे खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह नहीं खाता है। यह ऐसा है जैसे आदमी आदेश लेना बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाप में गिरने से पहले आदम और हव्वा की परमेश्वर तक पहुंच थी, परंतु पाप करने के कारण वे भटक गए और अपना मार्ग खो बैठे। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि मसीह स्वयं को मार्ग के रूप में प्रस्तुत करने आए हैं। पाप करके आदम ने परमेश्वर की उपस्थिति खो दी। आदम को परमेश्वर के अस्तित्व और आवश्यकता के बारे में पता था, लेकिन लौटने के लिए नक्शा खो गया था। समाधान एक व्यक्ति था जो महिमा से आया था, जो रास्ता जानता था और हमें वहां ले गया, और वह व्यक्ति यीशु है। इसलिए उनके शब्द कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यूहन्ना 3:13। मनुष्य खो गया था, मृत आध्यात्मिक रूप से बोल रहा था, लक्ष्यहीन, बिना किसी रास्ते के और झूठ के साथ मनोरंजन किया जो सच लग रहा था। परंतु पिता परमेश्वर ने समाधान प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। वह भगवान की पेशकश है, लेकिन कहा गया प्रस्ताव तब तक इतना आकर्षक नहीं लगता जब तक कि मनुष्य एक सत्य को नहीं समझता जो उसी अध्याय 3 में और अंत से ठीक पहले जॉन के सुसमाचार में प्रकट होता है। वह जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। ध्यान दे कि यह अंतिम पाठ इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि जो पुत्र को नहीं पाता है उसकी निंदा की जाती है, बल्कि यह कि मनुष्य निंदित पैदा हुआ है और अपनी निंदा की स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे यीशु के छुटकारे के कार्य की आवश्यकता है। उद्धार का सटीक अर्थ, हमें किससे बचाया जा रहा है।
इस परिच्छेद को स्पष्ट रूप से समझना महत्वपूर्ण है, जिसे हमने अभी उद्धार के बारे में एक विचार को सही करने के लिए उद्धृत किया है, जो आमतौर पर बहुत से लोगों के मन में होता है जो खुद को ईसाई कहते हैं। जब हम मनुष्य के उद्धार के बारे में बात करते हैं, तो हम किस बात का जिक्र कर रहे हैं या हम बचाए जा रहे हैं? बाइबल सिखाती है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम शैतान से बचाए गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। भगवान हमें खुद से बचाता है। परमेश्वर मुझे परमेश्वर से, उसके प्रकोप से बचाता है, उसकी निंदा के बारे में जो जन्म के क्षण से ही मुझ पर हावी हो गई थी। भगवान ने मुझे अपने क्रोध और न्याय से बचाने के लिए अपनी कृपा प्रकट की, क्योंकि वह वही है जो पापी को नरक में भेजता है। परमेश्वर द्वारा प्रदान किए जाने वाले उद्धार की सही समझ रखने के लिए इसे समझना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह अनुचित है कि परमेश्वर उन लोगों को भेजता है जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना है, इसलिए वे आश्चर्य करते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो अलग थलग आबादी में रहते हैं और जिन्होंने इस बात का प्रकाशन प्राप्त नहीं किया है कि यीशु कौन है और उसका कार्य क्या है। ये कैसे संभव है कि परमेश्वर उनकी निंदा करे? इस तरह से सोचने से पता चलता है कि यह समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर हमें भविष्य में निंदा नहीं करता है, सुसमाचार को अपनाने के लिए नहीं, बल्कि यह कि हम पहले से ही हमारे पाप के लिए दोषी हैं। उद्धारकर्ता और उद्धारक के रूप में मसीह की पहचान उस निंदा को हटा देती है जो पहले से ही हम पर भारी थी, क्योंकि हम पहले से ही अपराधों और पापों में मर चुके थे। इफिसियों 2:1। इसलिए जो कोई पुत्र और उसके कार्य को अस्वीकार करता है, वह परमेश्वर के दंड के अधीन रहेगा। विश्वास करने का क्या अर्थ है? जॉन के लिए विश्वास केवल इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ईश्वर मौजूद है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यूहन्ना 3:36। भगवान के लिए विश्वास करना आज्ञा मानना है, अवज्ञा अविश्वास है। याकूब की पत्री दिखाती है कि आज्ञा पालन किए बिना विश्वास करना संभव है, परंतु यूहन्ना 5:36 यूहन्ना इस क्रिया का उपयोग नहीं करता है। जेम्स बताते हैं, आप मानते हैं कि भगवान एक है, आप अच्छी तरह से करते हैं, राक्षस भी विश्वास करते हैं और कांपते हैं। याकूब 2:19। यीशु ने घोषणा की, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 7:16। बिना आज्ञा के फल नहीं होता और बिना फल के मोक्ष नहीं होता। फल सच्चे उद्धार के प्रमाण है। यह अत्यावश्यक है कि हम अपने हृदयों की जांच करें कि क्या हम वास्तव में बचाए गए हैं। जब मसीह हमें बचाता है, तो हमारा फल इसे प्रकट करता है, क्योंकि हम नए प्राणी बनाए गए हैं। जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न केवल दार्शनिक जिज्ञासाएं नहीं है, वे जीवन और मृत्यु का विषय है। जॉन के सुसमाचार में पता शब्द का प्रयोग 141 बार किया गया है, लेकिन इसका हमेशा एक ही अर्थ नहीं होता है। वास्तव में यूहन्ना जो वर्णन करता है उसके अनुसार हम कैसे जान सकते हैं, इसके 4 विभिन्न स्तर हैं। ज्ञान का प्रथम स्तर केवल एक तथ्य या डेटा को जानना है। अगले स्तर का संबंध जानकारी को समझने से है। उदाहरण के लिए, मैं जान सकता हूं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण या त्वरण का वेग 9.8 मीटर प्रति सेकंड है और उस जानकारी को नहीं समझता। लेकिन दूसरे न केवल उस तथ्य को जानते हैं, बल्कि उस जानकारी के निहितार्थ को भी समझते हैं। जब मैं जानकारी को समझता हूं, तो मेरे पास ज्ञान का दूसरा स्तर होता है। अब
अगर विमान को जबरन लैंडिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है और मैं मर जाता हूँ क्योंकि मैंने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, तो मैं ये जानकर मर गया कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, लेकिन पायलट पर ध्यान नहीं दे रहा था जब उसने मुझे लगाने का आदेश दिया बेल्ट। आध्यात्मिक दुनिया में ऐसा ही होता है। आप तथ्यों को जान सकते हैं और जान सकते हैं कि यीशु स्वयं को एकमात्र मार्ग के रूप में प्रस्तुत करने आया था और फिर भी उद्धार प्राप्त नहीं किया। ज्ञान का एक तीसरा स्तर है जो संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है किसी पर विश्वास करना और उसके नक्शे कदम पर चलना। ज्ञान का वह स्तर उद्धार लाता है जब मैं जिसका अनुसरण करता हूँ वह यीशु है। लेकिन ज्ञान का एक चौथा स्तर है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के परिणाम स्वरूप किसी को गहराई से जानना शामिल है। यदि आप पायलट के मित्र हैं, तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया है उसमें लैंडिंग के बाद आप उसके साथ बैठ सकते हैं ताकि वह लैंडिंग के बारे में विस्तार से बता सके। जब हम यीशु के संबंध में इस चौथे स्तर के ज्ञान का अनुभव करते हैं, तो हम अंततः उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो सभी समझ से परे है। ज्ञान के इस स्तर के बारे में पौलुस फिलिप्पियों 3:10 में इशारा करता है जब वह बताता है कि वह मसीह और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता है। लॉस डिसाइपुलोस हैव बीन एक्सपेरिमेंटेड टू लॉस ट्रेस प्राइमरोस निवल्स द कॉनसिमेंटो द जीसस पेरो ऑन नोर टेनियन पास। इसलिए ऊपरी कमरे में मसीह के शब्द उनका मन व्याकुल न हो। यूहन्ना 14:1। पेड्रो आवेगी ने पूछा था, भगवान तुम कहाँ जा रहे हो? यूहन्ना 13:36। यीशु ने उत्तर दिया कि वह उस समय उसके साथ नहीं जा सकता, परंतु वह बाद में जाएगा। हालांकि पीटर खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दूंगा। यूहन्ना 13:37। पेड्रो को नहीं पता था कि उसकी भावनाएं उसे धोखा देंगी। शायद आपका मामला यह है कि आज आपके पास भगवान के लिए बहुत आग है, लेकिन कल आप उन्हें धोखा देंगे। यदि आपका मामला ऐसा है, तो आपकी भावनाओं को अभी भी मसीह को उस गहरे अर्थ में जानने की आवश्यकता है जिसके बारे में हमने बात की है। थॉमस अविश्वासी पूछता है, यदि हम ये भी नहीं जानते कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम मार्ग कैसे जानेंगे? यूहन्ना 14:5। थॉमस ने शायद सोचा, अगर वह हमें बताता है कि वह कहाँ जा रहा है, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। ये सच नहीं था। अपने पुनरुत्थान के बाद भी थॉमस ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। थोमा नहीं जानता था कि वह कितना अविश्वसनीय था, परंतु परमेश्वर उसे यह प्रकट करेगा। और हम में से कुछ, यहाँ तक कि ईसाई होने के नाते, अविश्वासी हैं और यही कारण है कि हम इतनी चिंता और चिंता के साथ जीते हैं। यदि आप थॉमस की तरह हैं, तो आप अभी भी देखना विश्वास है स्तर पर रहते हैं। आपको उसे तब तक बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है जब तक कि आप उसे देखकर नहीं बल्कि उसके वचन से विश्वास कर सकते हैं। ईसाई जीवन को विश्वास से जीने के लिए डिजाइन किया गया है न कि दृष्टि से। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। यूहन्ना 8:29। फिलिप्पुस व्यवहारिक कहता है, हमें पिता को दिखाओ और यह हमारे लिए काफी है। यूहन्ना 14:8। दूसरे शब्दों में यीशु दृष्टांतों में दार्शनिकता और बोलना बंद करें और व्यापार के लिए नीचे उतरें। हमें पिता को दिखाओ और वह आज रात इस भारी हवा को साफ करने के लिए पर्याप्त होगा जो बनाई गई है। यीशु ने उत्तर दिया कि समस्या यह है कि उसने पहले ही उसे प्रकट कर दिया था कि वह और पिता एक हैं और जिसने भी उसे देखा है उसने पिता को देखा है। इसके साथ ही मसीह उन्हें यह नहीं कह रहे थे कि वह और पिता एक ही व्यक्ति है।
नहीं, वे दो व्यक्ति हैं, परंतु वही है जो पिता के पास है, वही यीशु के पास है, वही पवित्रता, वही सच्चाई, वही अनुग्रह, वही प्रेम, वही न्याय, वही ज्ञान और वही पाप क्षमा। वे पिता में कुछ ऐसा नहीं खोजने जा रहे थे जो उन्होंने बेटे में नहीं पाया था। बाद में यहूदा इस्करियोती नहीं ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करने जा रहा है और संसार पर नहीं? यूहन्ना दोपहर के 2:24। इस प्रश्न से हमें पता चलता है कि शिष्य इस तथ्य के प्रति जागना शुरू कर रहे थे कि ईश्वर ने एक चुनाव किया था, और यह कि केवल ईश्वर को ज्ञात कारणों से उन्होंने स्वयं को पूरी दुनिया के सामने प्रकट नहीं किया। शिष्यों ने एक विशेष प्रकटीकरण का आनंद लिया, और वह परमेश्वर की संप्रभुता का हिस्सा है। यीशु ने एक के बाद एक प्रश्नों के उत्तर दिए, क्योंकि वह जानता था कि वे भ्रमित थे। फिलिप, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता और पिता में हूँ, और यदि नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो। यूहन्ना दोपहर के 2:11। इसके साथ मसीह ने सबूत के रूप में उन्हें अपने चमत्कारों की याद दिलाने की कोशिश की कि वह था जो उसने कहा था कि वह था। पानी का शराब में रूपांतरण, रोटियों का गुणन, कोढ़ी जो चंगे हो गए थे, अंधे जो अब देखते थे, लंगड़े जो चला गया, वे राक्षसी जो अब मुक्त थे, पानी पर उसका चलना, दूसरों के बीच। मसीह ने कर्मों से प्रमाणित किया कि उन्होंने शब्दों में क्या प्रचार किया। मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसी तरह की प्रतिक्रिया भेजी जब उसने संदेह किया और अपने शिष्यों को यीशु से प्रश्न पूछने के लिए भेजा। और यूहन्ना ने अपने दो चेलों को बुलाकर प्रभु से यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जोहते हैं? जब वे उसके पास आए तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तुझसे पूछने को भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जोहते हैं? उसी घड़ी उसने बहुत सी बीमारियों और दुखों और दुष्टात्माओं को दूर किया और बहुत से अंधों को आंखें दी। तब उन्होंने उत्तर दिया, जो कुछ तुमने देखा और सुना है वो जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। लूका 7:19-23। यीशु ने दावा किया कि उसके कार्यों और चमत्कारों ने पुष्टि की कि वह घोषित मसीहा था। वह प्रत्येक मनुष्य की नियति और अनंत काल को इस प्रकार परिभाषित करता है, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें वह चाहता है उन्हें जिलाता है। क्योंकि पिता भी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब पुत्र का आदर वैसे ही करे जैसे पिता का करते हैं। जो कोई पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह समय आता है, वरन अब भी है, जब मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यूहन्ना 5:21-25। प्रिय ऑडियो रीडर मित्र, ईसाई बहुभाषाविद की टीम की ओर से मैं आपको बधाई देता हूं, और मुझे खुशी है कि आप इस चैनल का आनंद लेते हैं और आपके लिए डिजाइन किया गया है, जहां आप अपनी भाषा में सर्वोत्तम शीर्षकों के अनुकूलन को सुन सकते हैं। ईसाई दुनिया में प्रसिद्ध के लेखकों द्वारा लिखित और भगवान के शब्द से प्रेरित ईसाई किताबें।
हम आपको हमारे साथ जुड़ने और अपने दिमाग को नवीनीकृत करें द्वारा लिखित पादरी मिगुएल नुनेज नामक इस नई ऑडियो बुक श्रृंखला का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और अन्य प्रसिद्ध शीर्षकों के लेखक 5 जुलाई 1958 को सेंटो डोमिंगो डोमिनिकन गणराज्य में पैदा हुए मिगुएल नुनेज एक डोमिनिकन अमेरिकी चिकित्सक, धर्मशास्त्री, उपदेशक, मिशनरी, लेखक, बाइबल के विद्वान और बुद्धि और अखंडता मंत्रालयों के सुधारवादी बैप्टिस्ट पादरी है। अपने दिमाग को नवीनीकृत करें में पादरी मिगुएल नुनेज बताते हैं कि कैसे आपके दिमाग को नवीनीकृत करना और दुनिया और जीवन पर एक बाइबल परिप्रेक्ष्य प्राप्त करना संभव है। ये पुस्तक आपके स्वयं के विश्व दृष्टि और क्षमा याचना की बुनियादी समझ या अपने विश्वास की रक्षा करने के महत्व की मूलभूत अवधारणाओं के साथ शुरू होती है। हम आपको अगले सप्ताह अपने दिमाग को नवीनीकृत करें इस श्रृंखला के अंत से पहले के अध्यायों को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो और चैनल पसंद आया है तो हम आपको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें बढ़ने के लिए समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम आपके लिए सबसे अच्छी सामग्री लाने के लिए काम करना जारी रख सकें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।